हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे फिर से एक नया क्वेश्चन 5.12। क्वेश्चन में कह रहे हैं, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम 3.32 bar। आर दिया हुआ है हमें, इतना कैलकुलेट करना हमें टेम्परेचर। मोल दिया हुआ है, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है जो निकालना हुआ लिख लेते हैं। टेम्परेचर हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स दी हुई गैस के 4 मोल है, राइट। और हमें पी दिया हुआ है और दिया हुआ है हमें वी दिया हुआ है, राइट। और पी और वी कितना दिया हुआ है, पी 3.32 bar और 5 डेसीमीटर क्यूब। 5 डेसीमीटर क्यूब ये हो गया हमारा वॉल्यूम और ये हो गया 3.32 bar। आर की वैल्यू हमें दे रखी है, हम वही रखेंगे, अगर नहीं दी होती तो हम रखते 3.32 bar हो गया। आर दिया 0.018 bar decimeter की पर केल्विन पर मोल, यानी आर हमें दिया हुआ है उतनी जो वैल्यू होती है उसकी 0.083 bar decimeter cube पर केल्विन और पर मोल हमें निकालना है। टेम्परेचर क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है फॉर आइडियल गैस, एनआरटी होता है। हमें निकालना है टी, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी बाई एनआर, राइट। और पी हमें कितना दिया हुआ है, पी हमें दिया 3.32 bar। 3. देखिए नीचे वाला जो आर है वो भी क्या है, बार में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बार से बार कैंसिल हो जाएगा, 3.32 bar हो गया, राइट। वी कितना दिया हुआ है, 5 डेसीमीटर क्यूब। आर की वैल्यू जो नीचे हुई है वो किसमें है, डेसीमीटर क्यूब में, ये देखिए डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, तो हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट। देन नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए, 4 मोल्स हैं, मल्टीप्लाई आर कितना है 0.083। सॉल्व कर लेते हैं इसे हम लोग, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, ये 0 से 0 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा है ऊपर 1 जीरो, 4 8 32 और 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 83 बचा है, अभी देखिए 83 1 83 हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 5 10 50, 5 10 50, नीचे कैलविन बच जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर कैलविन, यानी 50 केल्विन विल बी द आंसर। अगर आपको लिखना है आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग द टेम्परेचर विल बी 50 केल्विन, राइट। होपफुली आपको सोल्यूशन समझ में आया हो, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।